हेलो गाइस, बात करने वाले हैं इस वीडियो में मुग्धा चापेकर के बारे में, कृष्णा कौल के बारे में। इन दोनों की जोड़ी को कौन नहीं जानता और बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है जोड़ी प्राची और रणबीर के कैरेक्टर से। कुमकुम भाग्य शो में प्रज्ञा और अभि के बाद इस जोड़ी ने ही कमांड संभाली थी अपने हाथों में और लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया। आज भी जोड़ी एज इट इज़ देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शो के अंदर लीप आ चुका है तो वो जोड़ी की इंपॉर्टेंस नहीं। हालांकि लोग देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ बात करने वाले हैं जिस तरीके से जोड़ी ने बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हासिल करी है, बहुत ज़्यादा अपने टाइम पर TRP हासिल करी है शो के अंदर, तो डेफिनेटली इस जोड़ी को लेकर कहीं ना कहीं मेकर्स को किसी अदर प्रोजेक्ट में ज़रूर नज़र आना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको प्राची और रणवीर की जोड़ी एक साथ देखनी तो बनती ही है। आप लोग जानते होंगे जो जोड़ी सुपर डुपर हिट रहती है उस जोड़ी को लेकर मेकर्स नज़र ज़रूर आते हैं अदर प्रोजेक्ट के ज़रिए। ज़्यादातर वो म्यूज़िक वीडियोस होते हैं जहाँ पर पॉपुलर जोड़ी कास्ट करी जाती है, तो ऐसे में ये जोड़ी आखिर कब आएगी नज़र? कोई सॉन्ग के ज़रिए, कोई म्यूज़िक वीडियो के ज़रिए, म्यूज़िक एल्बम के ज़रिए कब यहाँ पर मेकर्स इस जोड़ी को लेकर आएंगे, जहाँ पर एक प्यारी सी लव स्टोरी के साथ साथ एक प्यारा सा लव स्टोरी भरा सॉन्ग होना चाहिए। तो ऐसे में फैंस देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं और लगातार डिमांड कर रहे हैं, और लेकिन अभी तक ये जोड़ी कहीं भी साथ में इस तरह से देखने को नहीं मिली। हालांकि प्राची और रणवीर के कैरेक्टर से तो जोड़ी ने लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया ही है और अभी भी कर रही है, पर अगर बात करी जाए इनको एज ए रोमांटिक कपल के तौर पर देखना तो डेफिनेटली फैंस की वो जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होनी बनती है। सुपर डुपर हिट रही है जोड़ी, तो डेफिनेटली मेकर्स जिस भी प्रोजेक्ट में जोड़ी को कास्ट करेंगे वो प्रोजेक्ट हाईएस्ट TRP लेकर आएगा। सो देखना यह है कि किस तरह से आपको ये मुग्धा चापेकर और कृष्णा कौल की जोड़ी साथ में देखने को मिल पाएगी। फैंस तो डिमांड कर रहे हैं लगातार। आपको बता दें खबरें भी कहीं ना कहीं सामने आने लगती हैं जिनसे ये बातें क्लियर होती हुई नज़र आती हैं। लोग कयास लगाने लगते हैं कि ये जोड़ी आपको अदर प्रोजेक्ट में बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। हालांकि ये ZTV का शो है और ZTV के जो भी जितने भी शो रहते हैं वो OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी देखने को मिल जाते हैं। तो देखना ये है क्या ये जोड़ी आपको OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए देखने को मिलेगी। शो की बात नहीं हो रही है, लेकिन इस जोड़ी की अगर बात करें तो मेकर्स अदर प्रोजेक्ट में इस जोड़ी को लेकर आ सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, खबरें आ रही हैं। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।